वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम जो है जनरल अवेयरनेस सेक्शन का CHSL में जो जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है उस सेक्शन में जनरल साइंस से आपका लगभग जो है 8 से 10 क्वेश्चन कम से कम रहता है, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन। तो उस सेक्शन में जो है इम्पॉर्टेंट जो है जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मैंने उन सारे क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से सेलेक्ट किया और उसको जो आपके लिए लाया हूँ। और आप उम्मीद है कि आपको ये ऑनलाइन स्टडी का ये जो जनरल साइंस का जो लेक्चर है ये आपको पसंद आएगा। और हम लोग बिना डिले करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल ऑनलाइन स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्त, हम इसमें हिंदी में लिखे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम होगी जहाँ पर समझने में तो मैं इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में भी बोल दिया करूँगा। तो ऐसा नहीं है कि ये वीडियो मैंने हिंदी में लाया तो नेक्स्ट भी वीडियो हिंदी में ही लाऊँगा, तो उसको हिंदी में कभी इंग्लिश में, मतलब बायलिंगुअल ये चैनल है ऑनलाइन स्टडी, मैं इसमें हिंदी में भी डालूँगा, इंग्लिश में भी डालूँगा, दोनों वर्जन में डालूँगा। अगर आपको डिस्कम्फर्ट होता है तो उस पे के लिए जो है मैं नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश में ला लूँगा आपके लिए। तो आप हमारे कमेंट में लिखिएगा कि मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, मुझे समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो हम अगला जो वीडियो है इंग्लिश में लेते आएंगे। तो इसी तरह हिंदी इंग्लिश में वीडियो लाते रहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो ऑनलाइन स्टडी के सब्सक्राइबर हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर एवरी वन फ्रेंड्स, नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए, नया साल में और आप आगे बढ़ें। और हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, सभी जो है इस साल कहीं ना कहीं सेटल हो जाएं, कहीं ना कहीं सभी को अच्छी जॉब मिले, जो जॉब में है उसे और प्रमोशन मिले, कहीं और अच्छे जगह पर वो जाएं, और ढेर सारा अपने फैमिली के बीच साथ जो है खुशियाँ बाँटें और दूसरे को भी खुशियाँ पहुँचाएँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आप इस साल बहुत मेहनत कीजिए, इस साल जो है बहुत सारे कंपटीशन हैं, SSC CHSL का एग्ज़ाम है, फिर उसके बाद जो लोग इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जाना चाहते हैं तो बैंकिंग से रिलेटेड भी एग्ज़ाम है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का है, इंडियन बैंक का एग्ज़ाम है। फिर आगे जो है इस साल फिर से SSC CGL का एग्ज़ाम आएगा, फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो ढेर सारा एग्जाम है। अगर आप मेहनत करते हैं तो इस साल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप सफलता हासिल करेंगे और कहीं ना कहीं आप इस साल जॉब कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्त, आप जनरल साइंस का ये PART-1 का वीडियो है जनरल साइंस में। तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, जो ह्यूमन बॉडी है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? तो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपसे या तो सेल्सियस में पूछ लिया जाएगा या तो फ़ारेनहाइट में पूछ लिया, तो इसलिए आपको दोनों जानकारी होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी का जो सामान्य तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जो इसका SI यूनिट होता है वो इसका केल्विन होता है, ये याद रखिएगा कि ये डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट जो है टेम्परेचर का SI यूनिट नहीं है, SI यूनिट केल्विन में होता है, लेकिन आपसे ये सेल्सियस डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछ सकता है। तो डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए एक आसान सा फॉर्मूला है, C/5 = F-32/9। ये C/5 = F-32/9। सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं फ्रेंड्स कि एवोगाड्रो नंबर जो है, एवोगाड्रो नंबर कितना है, एवोगाड्रो की संख्या या नियतांक कितना होता है? तो एवोगाड्रो नंबर के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो ये है एवोगाड्रो, एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने ये नंबर दिया था एवोगाड्रो नंबर। तो ये 1 मोल बराबर इतना होता था 6.023 × 10^23, तो ये एवोगाड्रो संख्या कहलाता है। तो 6.023 × 10^23 दिस इज द एवोगाड्रो नंबर। नेक्स्ट चलते हैं, नाभिक की खोज किसने किया था? जो नाभिक है, नाभिक का खोज किसने किया था? तो नाभिक का खोज किया था रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। फिर एक्स किरणों की खोज किसने और कब की थी? तो
तो एक्स किरणों की खोज जो है रॉन्ट जैन नाम का वैज्ञानिक ने किया था, एक्स किरणों की खोज। जो एक्स किरण का जो खोज है इसके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब ये वैज्ञानिक सर्च कर रहे थे अपने लैब में, तो इन्होंने देखा कि एक किरण जो है उससे निकल रही है, और वो किरण जो है उसको पता नहीं चल रहा था उस किरण के बारे में। तो उन्होंने मान लिया कि ये एक्स किरण है, और लास्ट में वही किरण का नाम जो है एक्स किरण पर, वही एक्स किरण के नाम से ही इसने मान लिया था, और उसी को आगे चलकर एक्स किरण कहलाया। और एक्स किरण का जो खोज है वो रोंटजेन एक्सरे, आप जानते हैं कि एक्सरे जो है ह्यूमन बॉडी का भी किया जाता है, जैसे फ्रैक्चर सब हो गया तो उस केसेस में एक्सरे किया जाता है, तो एक्सरे की खोज रोंटजेन ने की थी। और ये 1895 ईस्वी में, देख रहे हैं आप कितना पुराना है, 1895 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। फिर आता है कि विटामिन की खोज किसने की थी और कब की थी। तो विटामिन की खोज जो है फंक नाम का एक साइंटिस्ट है, फंक नाम का वैज्ञानिक है, उसने की थी और 1911 ईस्वी में की थी। तो विटामिन की खोज फंक ने की थी और 1911 ईस्वी में की थी। फिर है CO2 पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है। तो CO2 जो है पानी में मिलकर कार्बोनिक अम्ल बनाता है। इसका जो है सूत्र ये है कि H2O प्लस CO2 ये बनता है H2CO3, जो कि क्या कहलाता है, कार्बोनिक अम्ल कहलाता है। तो H2CO3 क्या है, कार्बोनिक अम्ल है। एक किलोग्राम शहद से कितना किलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। अगर आप एक किलोग्राम शहद खाते हैं तो इससे आपको जो है लगभग 3500 किलोरी ऊर्जा, इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह का पूरे फैक्चुअल बेस्ड आता है। तो 3500 किलोरी ऊर्जा एक किलोग्राम शहद से मिलता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का आविष्कार किसने किया था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का आविष्कार किया था, डिस्कवरी किया था मिलिकन नाम का साइंटिस्ट ने, मिलिकन ने की थी इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज। फिर है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का सूत्र और दूसरा नाम क्या है। तो जो सोडियम सल्फेट है उसका सूत्र है, जो फार्मूला है वो है Na2SO4.10H2O। सोडियम सल्फेट का जो फार्मूला है वो है Na2SO4.10H2O, और उसका दूसरा नाम है ग्लोवर सॉल्ट, ग्लोवर सॉल्ट, ग्लोवर सॉल्ट। कभी कभी आपसे पूछेगा ग्लोवर सॉल्ट किसका जो है कॉमन नेम है, दूसरा नाम है, तो वो है सोडियम सल्फेट का। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला पूछता है तो Na2SO4.10H2O। फिर है हंसने वाली गैस, हंसने वाली गैस तथा लाल चींटियों से कौन सा अम्ल प्राप्त होता है। हंसने वाली गैस तथा लाल चींटियों से कौन सा अम्ल प्राप्त होता है। तो हंसने वाली गैस होता है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका कि फॉर्मूला है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ये हंसने वाली गैस है। और जो लाल चींटियों में जो अम्ल प्राप्त होता है वो है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल जो है लाल चींटियों में पाया जाता है, जिसको कि SCOOH, SCOOH होता है फॉर्मिक अम्ल, और हंसने वाली गैस है N2O। आपने अभी देखा हंसाने वाली गैस का नाम था N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, और चींटी में पाया जाने वाला फॉर्मिक था। फिर नेक्स्ट देखते हैं, 11th नंबर है झूठा सोना। ये सोना की तरह लगता है लेकिन ये सोना होता नहीं है, झूठा सोना है, जो जिसका कि फॉर्मूला है FeS2, किसका दूसरा नाम है, तो वह है आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड का दूसरा नाम है झूठा सोना, उसको बोलते हैं फेरस सल्फाइड। सर्वाधिक विद्युत चालक और धातु कौन है। जनरली आप जानते हैं कि वो धातु जो है विद्युत का कंडक्शन नहीं करता है, विद्युत का चालक नहीं होता है, तो लेकिन कौन सा वो धातु है जो सर्वाधिक विद्युत चालक है, वो धातु का नाम बताना है तो आपको वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो धातु है वो विद्युत का कंडक्शन करता है, विद्युत का चालक है। भूपरत में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, वो कौन सा एलिमेंट है जो क्रस्ट में जो भू प्रॉपर्टी है उस पे जो है सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, तो वह है एस्टेटीन, एस्टेटीन, जिसका कि शॉर्ट में लिखते हैं एटी, एटी जो है इसका केमिकल में शॉर्ट में फॉर्मूला है एटी। तो भू परत में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है एस्टेटीन, एस्टेटीन जो है सबसे कम मात्रा में, जिसका एटी बोलते हैं। भू परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो एबंडेंट अमाउंट में भू प्रॉपर्टी पे पाया जाने वाला जो धरती है, धरती में पाया जाने वाला वो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। वायुमंडल में, वायुमंडल में सब सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा, ये आप जानते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में पाया जाता है। शुद्ध स्वर्ण या सोना,
शुद्ध गोल्ड जो होता है, प्योर जो गोल्ड होता है, वो कितने कैरेट का होता है? तो वो है 24 कैरेट का। ये क्वेश्चन आ चुका है, इस तरह का क्वेश्चन ही आता है आपसे, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये होता है 24 कैरेट का। कौन सी धातु है जो जल में तैरती है? वह कौन सा धातु है जो जल में जैसे ही डालेगा तो वो आपको तैरने लगती है? तो वो है सोडियम। सोडियम काफ़ी एक्टिव एलिमेंट है, ये सबसे जल में देने के साथ ही तैरने लगता है। सबसे ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट है पोटासियम, जिसका कि शॉर्ट में K लिखते हैं। और जो जल में जो तैरने लगती है वो सोडियम। सोडियम जो है फीता के रूप में पाया जाता है, रिबन होता है इसका, फीता होता है। और सोडियम को Na से लिखते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है नेट्रियम, इसलिए इसको शॉर्ट में Na लिखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, मसूरों में खून आना किस विटामिन की कमी से होता है? जो मसूरा है आदमी जो दांत, तो उसमें खून और किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो होता है विटामिन डी। अगर विटामिन डी का कमी है तो मसूरा से खून आने लगता है। और आप जानते हैं कि विटामिन डी किससे मिलता है? सूर्य का जो किरण होता है उससे भी विटामिन डी मिलता है। और भी बहुत सारे सोर्स है, लेकिन सूर्य के किरण से भी विटामिन डी मिलता है। फिर है टाइफाइड, जो बुखार है, बुखार, टाइफाइड बुखार, वो किसके द्वारा होता है? तो इसमें चार ऑप्शन दिया है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटाजोआ, कवक। तो टाइफाइड जो बुखार है वो जीवाणु के द्वारा होता है। टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक माइक्रो किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन, तो एक माइक्रो जानते हैं, जो माइक्रो क्या होता है? काफ़ी छोटा यूनिट, बहुत छोटा है। तो एक माइक्रो जो है 10^-6 मीटर के बराबर होता है। तो एक माइक्रोमीटर अगर कोई बोले तो आपको बोलना है 10^-6 मीटर होता है। तो एक माइक्रोन जो है 10^-6 के बराबर होता है। नेक्स्ट चलते हैं, मिली कितना होता है? 10^-3 के बराबर। तो उसी तरह माइक्रो क्या है? 10^-6 मीटर के बराबर। एक माइक्रोन जो है, माइक्रोमीटर या माइक्रोन बोलिए, 10^-6 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोग्राम जब हम करते हैं तो प्रोग्राम में इनपुट डालते हैं और उससे हमको क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। कोई भी सिस्टम है उसमें इनपुट डाले, उससे हमको क्या मिला? आउटपुट मिला। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर के डेस्कटॉप में माउस से जो है इनपुट डालते हैं, फिर आपको आउटपुट में क्या, डेस्कटॉप में जो भी कुछ दिखाई पड़ता है तो आउटपुट आपको मिलता है। तो जो इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है? तो जो इनपुट और आउटपुट के बीच का समय है वो कहलाता है टर्न अराउंड टाइम जो है इनपुट और आउटपुट के बीच का समय कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं कि सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंडिया में, सोडियम कार्बोनेट का। तो जो सोडियम कार्बोनेट है उसको धोवन सोडा या धोने का सोडा या वाशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर वाशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। फिर है जल का सर्वाधिक घनत्व कितना होता है? तो जल का जो डेंसिटी है, सबसे मैक्सिमम डेंसिटी है जो वाटर का, वाटर मैक्सिमम डेंसिटी इज 4°C। तो 4°C जो है वाटर का सर्वाधिक घनत्व होता है। नेक्स्ट चलते हैं, वायु की जो आर्द्रता है, जो वायु की आर्द्रता या नमी बोल सकते हैं आप, वायु की आर्द्रता और नमी किस पर निर्भर करती है? किस बात पर वायु की आर्द्रता या नमी निर्भर करती है? तो यहाँ चार ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है तापमान, दूसरा है स्थान, तीसरा है मौसम और चौथा है उपयुक्त में से सभी। मतलब ये तीनों में, तीनों मतलब, तो ये इसका आंसर होगा सभी, यानी तापमान पे भी निर्भर करता है, स्थान पे, मौसम पे, ये तीनों चीज़ पर जो है वायु की आर्द्रता निर्भर करता है। नेक्स्ट है एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? तो ये एंजाइम जो है एक प्रोटीन है। आपसे पूछेगा एंजाइम क्या है, दिया रहेगा पहला ऑप्शन विटामिन, दूसरा लिखा रहेगा प्रोटीन, इसी तरह तीसरा लिखा रहेगा खनिज, चौथा लिखा रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर मारना है प्रोटीन है। तो एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन है, ये याद रखिएगा। जो स्तनधारी जीव है, मैमल्स है, जो कि जैसा कि ह्यूमन जो है वो भी एक क्या है, एक मैमल्स है, स्तनधारी जीव है। तो स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है? जो स्तनधारी होता है उसके रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है, सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? तो वो है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट जो है स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है, मोनोसाइट्स। द्विपद जिसको कि बोलते हैं अंग्रेजी में बाइनोमियल, द्विपद जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नाम पद्धति किसने प्रस्तावित की थी? तो द्विपद नाम का पद्धति जो है लिनियस ने की थी। लिनियस नाम का वैज्ञानिक है, उसने द्विपद नाम पद्धति प्रस्तावित की थी, लिनियस ने।
फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारों की दूरी किससे मापी जाती है? तो ये है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष में सितारा है जो स्टार है, स्टार से धरती के बीच का दूरी जो है प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। आपको बता दें कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रकाश वर्ष जो है किसका इकाई है, किसका यूनिट है, तो आपको लिखना है दूरी का है। उसमें प्रकाश वर्ष किसका इकाई है क्वेश्चन पूछ कर आपको पहला ऑप्शन प्रकाश ही देता है, लेकिन ये प्रकाश का नहीं है, ये दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का इकाई है। फिर दो क्वेश्चन इसमें, टोटल 30 क्वेश्चन इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। और 29 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि जो होता है, साउंड होता है, कि उष्णता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि का जो इंटेंसिटी है, जो उष्णता है, वो आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि का उष्णता जो है आयाम पर निर्भर करती है। और लास्ट क्वेश्चन है कि ALU का पूर्ण रूप क्या है? तो ALU का पूर्ण रूप है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये ALU का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मैं इसको लिख भी देता हूँ, अरिथमेटिक, ARITHMETIC, अर्थमेटिक लॉजिक, LOGIC, और यूनिट है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। तो ALU का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये फ्रेंड्स टोटल मैंने इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चन जो कवर किया जनरल साइंस का, जो कि SSC CHSL, MTS या SSC CGL से रिलेटेड, यानी SSC से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं जहाँ की जनरल साइंस पूछता है, रेलवे में भी पूछा जाता है जनरल साइंस क्वेश्चन, तो उन सारे कंपटीशन में आपके लिए ये जो है 30 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको अच्छे से कवर कीजिए। और इससे हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम इस लेक्चर से 2-3 क्वेश्चन आपको रहेगा, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरी तरह अच्छे से, एक बार में अगर नहीं आ रहा है तो 2-3 बार करके देखिए और इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे था, हमारे इस चैनल ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।